है गाइज सेल्फ राजन और गाइज आज इस लेक्चर में हम लोग एन सी आर टी इंग्लिश क्लास टेंथ का जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसका पोएम एनिमल्स से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट एम सी क्यूज बनेंगे उसे देखने वाले हैं तो सी तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम एनिमल्स एनिमल्स पोएम के पोएट का क्या नाम है ऑप्शन ए है लेस्ली नॉरिस ऑप्शन बी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ऑप्शन सी है कैरोलिन वेल्स ऑप्शन है वाल्ट विटमैन तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी विटमैन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट विश टू लिविथ तो पोएट को किसके साथ रहने का इच्छा होता है ऑप्शन ए ड्रैगन्स ऑप्शन बी एनिमल्स ऑप्शन सी ह्यूमन बीइंग्स ऑप्शन डी नन तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी एनिमल्स के साथ रहने का इच्छा होता है नेक्स्ट क्वेश्चन वट सॉज द पोइट लव्स एनिमल्स क्या दिखाता है कि पोइट एनिमल्स से प्यार करता है ऑप्शन ए ही लुक्स एट द एनिमल्स फॉर शॉर्ट टाइम वह कुछ क्षण के लिए एनिमल्स की ओर देखता है ऑप्शन बी ही लुक्स एट द एनिमल्स लॉन्ग एंड लॉन्ग वह खड़ा रहता है और लंबे समय तक एनिमल्स की ओर देखता है ऑप्शन सी है ही फीड्स द एनिमल्स वह एनिमल्स को खाना खिलाता है ऑप्शन डी नन ऑफ द एब तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी

कंप्लेन अबाउट देयर कंडीशन अपने कंडीशन के बारे में कभी कंप्लेन नहीं करते ऑप्शन सी नेवर वीप फॉर देयर सिंस अपने पापों के लिए कभी रोते नहीं ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी एबब तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी एबब ये सारे काम एनिमल्स कभी नहीं करते ये सारे काम किसके द्वारा किया जाता है ये सारे काम मानवों के द्वारा किया जाता है तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी एबब नेक्स्ट क्वेश्चन वट डू द एनिमल्स पजेज तो एनिमल्स के पास कौन से गुण हैं ऑप्शन ए काइंडनेस ऑप्शन बी फेलो फीलिंग फॉर ऑल ऑप्शन सी सेम्पैथी सेम्पैथी मीन्स होता है सहानुभूति ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एव तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दारे गुण एनिमल्स के पास होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हु टू द पोएट इज बेटर पोएट के अनुसार कौन बेटर है ऑप्शन ए ह्यूमन बींग्स ऑप्शन बी एनिमल्स ऑप्शन सी बोथ आर इक्वल ऑप्शन डी नन तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी एनिमल्स पोएट के अनुसार एनिमल्स बेटर हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ डू एनिमल्स अपीयर टू द पोएट पोएट के लिए एनिमल्स कैसे प्रतीत होते हैं ऑप्शन ए काम काम मीस होता है शांत ऑप्शन बी फुल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑप्शन सी वेल कंटेंटेड कंटेंटेड मिस होता है संतुष्ट ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी ऑल ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डू ह्यूमंस डू दैट एनिमल्स डोंट तो क्या काम मानव करते हैं और एनिमल्स नहीं करते हैं ऑप्शन ए ग्रीड ग्रीड मीन्स होता है लालच ऑप्शन बी जेलस मिस जलनशीलता ऑप्शन सी रेस्टलेस मिस बेचैनी ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी एब तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी एब मिस ग्रीड लालच जो कि ह्यूमंस करता है लेकिन एनिमल्स कभी नहीं करते जेलसी जलनशीलता ह्यूमंस के पास होता है एनिमल्स के पास नहीं होता है रेस्टलेस बेचैनी ह्यूमंस के पास होता है एनिमल्स के पास नहीं होता है तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज आर ऑलवेज कॉम्प्लेनिंग अबाउट देयर कंडीशन तो कौन हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं अपने कंडीशन के बारे में ऑप्शन ए द पोएट ऑप्शन बी एनिमल्स ऑप्शन सी ह्यूमन बींग्स ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी एब तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी ह्यूमन बींग्स ह्यूमन बींग्स हमेशा अपने कंडीशन के बारे में कंप्लेन करते रहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेसिड प्लेसिड वर्ड का मीनिंग क्या है जो कि इस पोएम में यूज किया गया है तो ऑप्शन ए है पीसफुल पीसफुल मीन्स होता है शांतिपूर्ण ऑप्शन बी है कलमजी कलमजी मिस होता है बिगड़ेल ऑप्शन सी ग्रीडी मींस लालच ऑप्शन डी जेलसी सी जलनशीलता तो करेक्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए पीसफुल मीन्स शांतिपूर्ण तो प्लेसिड वर्ड का मतलब होता है पीसफुल नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट मेनिया डू ह्यूमन बींग्स सफर फ्रॉम तो कौन से पागलपन से मानव सफर करते हैं ऑप्शन ए पजेसिंग ऑफ थिंग्स मिस चीज़ों को कलेक्ट करने से ऑप्शन बी गुड क्वालिटीज ऑप्शन सी कंटेंटमेंट ऑप्शन डी पीस तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए पजेसिंग ऑफ थिंग्स मिस चीज़ों को कलेक्ट करने के पागलपन से लोग हैं सो क्या है एक तरीके से सफ़र कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन टू अनदर दूसरों के सामने कौन झुकता है ऑप्शन ए मेन ऑप्शन बी एनिमल ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी ऑप्शन डी नन ऑफ तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए मेन मानव जो कि दूसरों के सामने झुकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द लाइन आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स तो ये जो लाइन लिया गया है पोइंट से इस लाइन में कौन सा लिटरेरी डिवाइस का यूज किया गया है तो यहाँ पे ऑप्शन ए है सिमिली, ऑप्शन बी है एजोनेंस ऑप्शन सी है, है मेटाफर ऑप्शन डी है अलिट्रेशन। तो करेक्ट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी एजोनेंस तो बेसिकली एजोनेंस में होता क्या है एजोनेंस में वॉवेल सौंड का रिपीटेशन होता है तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो इस लाइन में आई आई वॉवेल सॉन्ड का काफ़ी ज़्यादा रिपीटेशन हो रहा है जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो आई यहाँ पे भी है यहाँ पे भी आई का यूज किया गया है लिव में भी आई का यूज किया गया है विद में भी आई का यूज किया गया है एनिमल्स में भी आई का यूज किया गया है तो इस लाइन में आई वॉवेल सड का काफ़ी ज़्यादा रिपीटेशन हुआ है इसलिए इस लाइन में हम कह सकते हैं कि एजोनेंस लिटरी डिवाइस का यूज किया गया है तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज द मीनिंग ऑफ वाइन वाइन का क्या मतलब होता है ऑप्शन ए ए बेवरेज बेवरेज होता है पेय पदार्थ को कहते हैं ऑप्शन बी क्रैक क्रैमिस होता है रोना ऑप्शन सी सॉल्ट ऑप्शन डी नन तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी क्राई क्रैमिस होता है रोना तो वाइन का मतलब होता है क्राई नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज नॉट डिस ऑलवेज डिसटिस्फाइड मिस होता है असंतुष्ट तो कौन हमेशा असंतुष्ट नहीं होता है मतलब कि क्वेश्चन को समझना सही से कौन हमेशा असंतुष्ट नहीं होता है मतलब कि कौन हमेशा संतुष्ट रहता है ऑप्शन ए ह्यूमंस, ऑप्शन बी एनिमल्स ऑप्शन सी पोएट ऑप्शन डी ऑल ऑफ द तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी एनिमल्स एनिमल्स जो कि हमेशा संतुष्ट रहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द पोएटिक डिवाइस यूजड इन तो गिवन लाइन में कौन सा पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है ये हमें बताना है ऑप्शन ए है एनाफोरा ऑप्शन बी है एजोनेंस ऑप्शन सी है मेटाफर ऑप्शन डी है अलिट्रेशन तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए एनाफोरा तो बेसिकली एनाफोरा में होता यह है कि, कि किसी पोए में दो या दो से अधिक लगातार लाइन जब सेम वर्ड से स्टार्ट हो तो हम उसे एनाफोरा कहते हैं तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये तीनों लाइन सेम वर्ड वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं और वो सेम वर्ड है दे दे से ए भी लाइन स्टार्ट हो रहा है ए भी लाइन स्टार्ट हो रहा है ए भी लाइन स्टार्ट हो रहा है तो इसी को एनाफोरा कहा गया है तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए एनाफोरा पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन वट क्वालिटीज है द्यूमन्स गिवेन अप तो कौन से क्वालिटीज गु गुण मानवों ने छोड़ दिए हैं ऑप्शन ए इनोसेंस इनोसेंस मीस होता है निर्दोष ऑप्शन बी काइंडनेस मीस दयालुता ऑप्शन सी ट्रूथफुलनेस ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबब तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीस ये सारे गुण मानवों ने छोड़ दिए हैं और ये सारे गुण किन के पास चला गया है एनिमल्स के पास चला गया है तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू हु इज ग्रेटर तो वीट मैन के अनुसार कौन ग्रेटर है ऑप्शन ए ह्यूमन बींग्स ऑप्शन बी एनिमल्स ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी ऑप्शन डी नन ऑफ तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी एनिमल्स तो वीट मैन के अनुसार एनिमल्स ग्रेटर हैं तो गाइज इस प्रकार से हम लोगों ने एनिमल्स से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बने उसे देखा थैंक्स फॉर वाचिंग गाइज टेक केयर बाय